आईपीडी में मैंने सर से कहा, सर इसका उपयोग तो अच्छी तरह से दिया है कि रक्त के ऊपर है, इसका उपयोग इम्यूनिटी के लिए है, इसका उपयोग बल बढ़ाने के लिए है, तो ऐसी वनस्पति हम पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो सर ने कहा ठीक है, मिली तो हम करके देखेंगे। तो हमारे वार्ड में एक HIV का पेशेंट आया था, उसका CD4 जो काउंट है एकदम से जीरो, एकदम 40-50 में गया था। और ऐसे बताते समय साले सर ने बताया था कि ये जो वनस्पति के बारे में आप बोल रहे हो, वो वनस्पति का अगर सोरस मीन्स उसका जो रस है, अगर पेशेंट को हम 10 ml ट्वाइस देंगे और एक महीने में देंगे, तो उसका CD4 काउंट बढ़ता है, उसका लीवर जो है तंदुरुस्त होने लगता है। तो मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई और मैंने सोचा कि अरे यार इस्तेमाल करेंगे। तो मयूर देशमुख जो सर है, जो अभी उस्मानाबाद में सिखाते हैं, निदान सिखाते हैं, तो उन्होंने बताया कि तू लाता है तो हम पेशेंट को शुरू करेंगे। तो मैंने कहा सर उत्साही तो था ही, तो हमने लाना शुरू किया। और वो जो वनस्पति है उसका रस जो है हम पेशेंट को 10 ml दो टाइम देते थे, ऐसी वनस्पति थी। लेकिन कहाँ कहीं कहीं से ढूंढ के मैं लाता था, हर रोज़ उसका रस निकालता था, उसमें थोड़ा सा त्रिकटू डालता था और पेशेंट को 10 ml दो बार देता था, सुबह शाम देता था, मेरे सारे लेक्चर करके पेशेंट को देता था। तो ऐसा एक महीना किया, एक महीने में सिर्फ एक डोज मैंने मिस किया था उसको देने के लिए, लेकिन पेशेंट इतना अच्छा था कि सुबह का जो बचा हुआ था 10 ml से ऊपर से ज़्यादा उसने वो शाम को लिया था। तो एक महीना 10 ml BD ऐसा पूरा कंप्लीट डोज जाने के बाद हमने चेक किया तो उसका जो CD4 काउंट था 50 से 725 तक चले गया था। मेरे पास उसकी सारे रिपोर्ट है। तो तभी से ये जो वनस्पति है इसका इस्तेमाल मैं लीवर के और इम्यूनिटी के लिए करता हूँ। इस वनस्पति का नाम है भूम्यामलकी। यही भूम्यामलकी जो है हमें इस्तेमाल करनी होती है, जो इसके नीचे से आंवले होते हैं, ये आंवलों के साथ इसका रस लिया जाता है तो लीवर को रिजेनरेट करती है और हमारे शरीर में जो भी वायरल काउंट है उसको कम करने के लिए काम में आती है। तो आरोग्य देने वाली भूम्यामलकी ये सबको पता होनी चाहिए और वैद्यगण ने इसका इस्तेमाल करना चाहिए हमारे प्रैक्टिस में।